सब्सक्राइब करें गार्निंग बॉय को और दबाएं बेल का आइकन, उसे सिलेक्ट करें ऑल ऑप्शन पे ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डहेलिया के प्लांट पे बात करेंगे। तो आज लगाना नहीं सीखेंगे, देखिए प्लांट हमारा लगा हुआ था नवंबर में, तो आज हम इसके जो ट्यूबर हैं उनको निकालेंगे। देखिए बहुत से प्लांट होते हैं जिनमें ट्यूबर होते, बल्ब होते हैं, तो ट्यूबर देखिए इसमें ट्यूबर होते हैं, तो इसके ट्यूबर निकाल के हम रखेंगे एक नेक्स्ट सीजन के लिए। तो देखिए ये जो स्टिक लगी हुई है इसमें, ये स्टिक जब हम छोटा सा प्लांट लाए थे तो उसी में लगी हुई थी, इससे प्लांट को सहारा मिलता है। पर अभी ये इतना हो गया है हैवी प्लांट कि इसे अभी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो अब गर्मियों का टाइम आ गया है, तो ये अपने आप को देखिए हमने इसमें से निकाल दिया है। अब हम इसके जो है ट्यूबर वो निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं इसमें ट्यूबर बने हैं या नहीं बने हैं, अभी मुझे कुछ पता नहीं है। पर आप जड़ें इसकी देख सकते हैं, जड़ें कितने अच्छे अंदाज से इसकी हुई है, उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ पता कर सकते हैं आप। जिस प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है उसकी जड़ें भी अच्छी होती हैं, तो जड़ों से ही प्लांट ग्रो होता है। अगर जड़ें आपकी नहीं बनेगी तो प्लांट कैसे चलेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको कहता हूँ मिट्टी अच्छी बनाइए, तो देखिए मिट्टी अच्छी ऐसे ही बनती है, भुरभुरी मिट्टी। भुरभुरी मिट्टी में हमेशा कोई भी आप प्लांट लगाएंगे वो आराम से लग जाएगा। तो आपको बस इसी बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप प्लांट लगाएं तो उसमें कुछ हिस्से सैंड और बर्मी कंपोस्ट मिलाएं, तो आपकी मिट्टी जो है ऑटोमेटिकली भुरभुरी हो जाएगी। तो देखिए इसमें अब ट्यूबर, शायद मुझे लग रहा है इसमें ट्यूबर बने हुए हैं, तो देखते हैं इसके ट्यूबर। तो ये देखिए लग रहा है इसको धोना भी पड़ेगा, देखिए ट्यूबर आपको दिखे होंगे। तो यही इसके देखिए ट्यूबर हैं, जैसे स्वीट पोटैटो होता है तो उसी तरह के ये भी होते हैं ट्यूबर इसके। तो इसको पहले हम साफ कर लेते हैं, कैमरा थोड़ा रोकना पड़ेगा। तो फाइनल देखिए दोस्तों, हमने जितनी इसकी मिट्टी थी निकाल ली है और इसके ऊपर से जो हमने प्लांट था वो कट कर दिया है। तो अब इसे हम धो लेते हैं। तो दोस्तों इसे देखिए हमने धो लिया है, अब इसको हम थोड़ा धूप में नहीं रखेंगे, इसको छाए में रख के इसका जो पानी है वो हम सूखने देंगे। तो देखिए कितने सारे हमें बल्ब मिल गए हैं। तो आप भी अपने डहेलिया के प्लांट लगा रखे तो उनके बल्ब निकाल के आप रख लीजिए। तो ये देखिए ये मिट्टी है और ये जो प्लांट हमारा है, इसको हम प्लांट को पहले इसी टब के अंदर डालेंगे फिर मिट्टी डाल के रख देंगे, तो ये एक टाइम पे बाद कंपोस्ट बन जाएगी। तो ये देखिए एक हमारा डहेलिया का प्लांट यहाँ पर है, तो इसको भी हम निकालते हैं। तो काफ़ी मजबूती से लगा हुआ है प्लांट, एक हाथ में कैमरा एक हाथ से निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, पर निकाल देंगे इसको। तो निकाल दिया है हमने, ये देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं ट्यूबर है ये। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों ज़रूर बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कैसे हमें ये ट्यूबर नेक्स्ट सीजन के लिए रखने हैं। अभी हमने आपको ट्यूबर निकाल के दिखाए हैं और अगली वीडियो हम लाएँगे कि ये ट्यूबर को हम कैसे रखें संभाल के। तो आप देख सकते हैं मिट्टी हट गई है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कैसे अपने ट्यूबर को सेव करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।